ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी, और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स टू एनीवन। हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, और ये अक्सर हम लोग करते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है, ट्रेंड में है कि ज़रा सी भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम किसी ना किसी को जाकर बोल देते हैं, फिर आगे चलकर हमें ही प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। हमें कोई सोल्यूशन तो देता नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस टॉपिक पर बात करूं, आप लोगों से जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आज मैं क्लियर करूं। तो देखिए, जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, वो क्या होते हैं? वो चीज़ें होती हैं नेगेटिव चीज़ें। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है? नेगेटिव थॉट्स। वो हमारी खुद की बनाई हुई सोच होती है, खुद की नेगेटिव चीज़ें होती हैं, और हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप कहोगे कि हमारी लाइफ में तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और आप कह रहे हो कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तो हाँ, मैं कहूँगी कि ये नेगेटिव थॉट्स ही हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसे हम नेगेटिव खुद बनाते हैं अपनी सोच से। और सेकेंड, जब हम किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो वो और ज़्यादा हमें नेगेटिविटी देती हैं। लाइक सपोज देन, अगर आपने किसी को ये बोला कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, या मुझे आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो सेकंड पर्सन के पास में वो चीज़ गई। आपने सेकंड पर्सन से कही कि मैं बीमार हूँ या मुझे आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो दूसरा जो पर्सन है, जो दूसरा इंसान है, उसके मन में उसके थॉट क्रिएट हुए कि अरे ये तो आज ठीक ही नहीं है। उसने अपने मन से दो बातें और लगा ली, ठीक है। आपने तो जेन्युइनली बोला कि आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, जैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं। फिर वो तीसरे बंदे को बोलेगा आपके लिए कि अरे वो तो बोल रहा था कि अरे वो तो बहुत बीमार है। फिर वो तीसरा इंसान चौथे को बोलेगा कि अरे वो तो बहुत बीमार है और उसको कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। फिर वो पाँचवें को, छठे को, सातवें को, ऐसे एक के बाद एक सबको बोलता जाएगा। और जिसके मन से ये बातें निकलेंगी ना, जो उनके थॉट प्रोसेसिंग होंगे, जो उनकी सोच क्रिएट होगी आपके लिए कि अरे वो परेशान है, वो बीमार है, तो सबने अपनी अपनी राय दी, सबने अपनी अपनी सोच रखी, तो वहाँ से क्या निकला? नेगेटिव एनर्जी निकली, और वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके पास में आ गई। चाहे आपने नॉर्मली बोला हो कि आप बस कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप और ज़्यादा बीमार फील करने लगोगे, क्योंकि वो 10 लोगों की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके पास में आई। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, तो जैसे कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है कि अरे आप कैसे हो, तो आप कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। तो वो उसके मन में थॉट क्या क्रिएट हुआ कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छी फीलिंग आ रही है। फिर वो तीसरे बंदे को बोलेगा, तीसरे इंसान को बोलेगा, उसके मन में भी आपके लिए अच्छी पॉजिटिविटी आई। फिर वो चौथे को बोलेगा, वो दो बातें और लगाकर अपने मन में सोचेगा कि वाओ, कि ये कितना पॉजिटिव है, ये कितना ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है पर्सन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से है। फिर वो पाँचवें को बोलेगा, फिर वो छठे को, सातवें को, जितने भी लोगों को बोलेगा, उनके अंदर से आपके लिए क्या हुआ? पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई, नेगेटिव नहीं हुई, पॉजिटिव हुई, कि आपने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो वो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो सीधा आपके पास में आएगी, चाहे भले ही आप ठीक ना हो, आपने बस ऐसे ही बोल दिया हो कि मैं तो ठीक हूँ, तो वो जितने भी लोगों की पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास में आई, और चाहे वो चीज़ें ठीक हो या ना हो आपकी तरफ से, लेकिन वो चीज़ें ठीक होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। ये होती है पॉजिटिव एनर्जी, ये होती है सकारात्मक ऊर्जा। तभी बाबा कहते हैं ना आपसे कि हमेशा सकारात्मक सोचो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। कभी भी कोई आपसे पूछे ना प्रैक्टिकली लाइफ में कभी भी कि आप कैसे हो, तो आपको ये नहीं कहना कि मैं बहुत बुरा हूँ, या मेरा काम नहीं है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। रोना नहीं है किसी के भी आगे, क्योंकि आप जितने भी लोगों से कहते जाओगे ना वन बाय वन, वो बातें जितनी आगे पहुँचती जाएंगी, सबके सोच के अनुसार आपके लिए नकारात्मक चीज़ें ही निकलेंगी। और जितना आप अच्छे से अच्छा लोगों के आगे दिखाओगे, प्रिटेंड करोगे कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने सही हो, चाहे आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, उसके बावजूद भी अगर आप ये दिखाओगे कि आप कितने अच्छे हो ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी
चीज़ें वो आपके पास में ऑटोमेटिक वापस आएंगी, तो आपको खुद ना वो एनर्जी फील होगी कि जो चीज़ें सही नहीं भी हो रही ना, वो भी चीज़ें सही अपने आप होने लग जाएगी। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास में कोई दुख परेशानी ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको खुद अपने हाथों से करनी होगी, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। अगर आप पॉजिटिव बन जाओगे ना, अगर आप अच्छा सोचने लगोगे, तो आपके साथ में भी अच्छा होने लगेगा, डेफिनेटली होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपके ना आज बॉडी में बहुत पेन है, बहुत दर्द है, और रात को ना आप सोते वक्त बस ये बोल रहे हो अपने दिमाग से, अपने आप से, कि आज मेरे शरीर में कितना दर्द है, कितना दर्द हो रहा है। आप ऐसा बोल के लास्ट वर्ड आपके यही होंगे और आप ये बोल के सो जाते हो। जब आप सुबह उठोगे ना, तो जितना दर्द आपको रात को था ना, उससे आपका दर्द कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा, क्योंकि रात को ना आपने ये कहकर सोए कि मेरे शरीर में दर्द है, आपने अपने आप से कहा, अपने आप को ये चीज़ कही, आपने आपको जताई ये चीज़ कि मेरे शरीर में दर्द है। और ये बात किसने सुनी आपकी? आपके बॉडी ने सुनी, आपके शरीर ने सुनी, आपके दिमाग ने सुनी। जो भी आप 6-7 घंटे 8 घंटे जो सोते हो ना, तो आपके शरीर भी आपकी वाइब्स के अनुसार ही काम कर रहा होता है। आपकी जो सोच है ना, उसके अनुसार ही वो 6 घंटे 8 घंटे आपके शरीर पर काम करता है। और जो आप आखिरी में कहकर सोते हो ना, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो उसी चीज़ पर काम करता है। तो जैसे आपके आखिरी वर्ड थे कि हाय मेरे शरीर में कितना दर्द है, तो वो उसने सुना, आपके माइंड ने सुना, आपके शरीर ने सुना, और वो वैसा ही काम करेगा। और आपको सुबह उठ के ना ऐसा लगेगा कि आपकी थकावट बहुत है, आपके शरीर में और भी दर्द है। और यही रात को अगर आपके हाथ पैरों में, आपके बॉडी में पेन होगा, और आप रात को ये बोलोगे ना, अरे मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और उसी वक्त उदी लेंगे, उदी जल पियेंगे बाबा का, बाबा को प्रणाम करेंगे अच्छे से, बाबा को सोचेंगे, बाबा के बारे में सोचेंगे, और ये सोच कर आप सो जाएंगे, तो आपके आखिरी शब्द क्या होंगे? बाबा। और आपका शरीर कैसा होगा? पॉजिटिव, सकारात्मक होगा। तो आप ऐसा बोल के सोएंगे ना, तो आपके आखिरी जो शब्द होंगे ना, तो उसी पर आपका दिमाग काम करने लगेगा, आपकी बॉडी सुनेगी, आपका दिमाग सुनेगा, और 6-8 घंटे जो आपकी बॉडी काम करेगी, वो पॉजिटिव वे में करेगी, सकारात्मक में करेगी। और आपकी जब आप सुबह उठोगे ना, तो देखना जो भी आपके बॉडी में दर्द होगा, जो परेशानी होगी ना, सुबह उठकर छू मंतर हो जाएगी, और सुबह आपको इतना फ्रेश, इतना अच्छा फील होगा। ये चीज़ें मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि एक्चुअली ये होता है, और आप ये करके देखना, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। जो ये आपका अकेलापन होता है ना, ये आपको बहुत अखरता है, चारों तरफ आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो आप अकेले में भी बहुत खुश रहोगे, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी कि अरे बाबा तो हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ में हैं, बाबा मुझे सुनते हैं, बाबा से मैं बात कर सकता हूँ। तो वो नेगेटिव माइंड में थॉट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, जब वो अकेले होते हैं ना, तो उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही थॉट्स आते हैं। उनका जो माइंड है, जो उनकी सोच है ना, वो हमेशा नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फिर जो चीज़ नहीं भी होने वाली होती है ना, उसके बारे में भी सोच सोच कर वो इतना परेशान हो जाते हैं ना, कि उनका दिमाग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, उनका शरीर भी, कि ये तो होगा ही होगा, अब तो ये होकर रहेगा। और वो आप खुद को परेशान करते हो, और खुद को परेशान करने का मतलब है आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी होती है, आपके माइंड में भी परेशानी होती है, और आप ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाते हो। ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि हमें कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के भी आगे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई सोल्यूशन तो देगा नहीं ना, हमें क्या करेंगे, सिर्फ तसल्ली देंगे और इतना बोल देंगे कि हमें बुरा लगा आपके लिए। क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनफैक्ट वो आपका मजाक बनाएंगे आपके पीठ पीछे। आप बताइए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर से कहते हैं या लोगों से कहते हैं? लोग हमारा इलाज करेंगे कि डॉक्टर करेगा? तो उसी तरीके से अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तो वो हमारे ईश्वर, हमारे बाबा ठीक करेंगे या कोई इंसान ठीक करेगा? नहीं ना, इंसानों के तो हाथ में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सुन सकता है। लेकिन जो ईश्वर है, वो उस समस्या का हल आपको देगा, वही आपकी मदद करेगा असलियत में, और वही करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईश्वर पर बिलीव करिए, उनसे कहिए, किसी और से मत कहिए। सेकंड, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे?
जब आप उस ईश्वर पर अटूट विश्वास करेंगे, आपको उन पर विश्वास होगा कि वो हैं, वो संभाल लेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और आपको अपने माइंड को, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, अपने आप से कहना है जो है ठीक है। जैसे कि अगर आप ये फील करोगे ना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत अकेला हूँ, तो आपको चारों तरफ ना ऐसे लगने लगेगा कि चारों तरफ आपके दुश्मन हैं, आप अकेले हो, आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और उस जगह नेक्स्ट अदर वे में अगर हम सोचें कि अगर आप ये सोचो पॉजिटिव में कि अगर मैं परेशान हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथ तो बाबा हैं, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में, मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे दोस्त हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये फील होने लगेगा कि अरे मेरे चारों तरफ तो सपोर्टेबल लोग हैं, मेरे पास में तो बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सोचिए ना, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी सोच में है। जैसा हम अपने लिए थॉट क्रिएट करेंगे ना, वैसा ही हमारा शरीर भी हो जाएगा, वैसा ही हमारा दिमाग भी होगा। तो बताइए कि अगर हम अपने माइंड में कुछ गलत चीज़ें क्रिएट करते हैं, नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं, या अपने प्रॉब्लम्स को किसी को बताते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें। तो हमें किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमें आगे से नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, पॉजिटिव नहीं मिलेंगी। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, आपको लोगों को जताना पड़ेगा कि आप कितने पॉजिटिव हो, और उसके लिए आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, सकारात्मक बनना पड़ेगा, आपकी सोच को सकारात्मक लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में सब अच्छा होने लगेगा। आप कहते हो ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, इसके लिए आप चार लोगों से कहने लगते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्या होगा, चार लोगों से आपको और नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपने जिससे कहा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, वो अपने माइंड में थॉट क्रिएट करेगा, फिर वो किसी और को बोलेगा, वो अपने माइंड में थॉट क्रिएट करेगा आपके लिए, फिर वो आगे बोलेगा, फिर वो किसी और को दो बातें और लगाकर बोलेगा आपके लिए, फिर उसके माइंड में से फिर नेगेटिव एनर्जी निकलेगी आपके लिए, और वो सारी एनर्जीज मिलकर आपको अफेक्ट करेंगी, और आपका सच में कोई काम नहीं होगा। आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें भी होंगी और आपके चारों तरफ नेगेटिव ही होगा, जो आप चाहते हो ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप ये कहोगे ना कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट हेल्दी लाइफ, तो ऐसा बोलना है आपको। कभी आप नोटिस करना, जो आपका थॉट प्रोसेसिंग होता है ना, वही हमारे माइंड पर अफेक्ट करता है, और वही हमारे बॉडी पर, हमारी लाइफ पर अफेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इसेंशियल। तो हमें कभी भी ना हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को हमेशा हेल्दी रखना है, मेंटली हमें एकदम हेल्दी रहना है, मेंटली भी हमें हेल्दी ही रहना होता है। हमारे जो भी दिमाग में चल रहा होता है ना, उससे हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में बहुत अफेक्ट पड़ रहा होता है। तो हमें अटेंशन खुद को देनी होगी, हमारे वर्ड्स को देनी होगी, हमारी सोच को देनी होगी कि हमारी सोच कहाँ है और किस दिशा में चल रही है। अगर गलती से भी कुछ थॉट हमारे माइंड में, नेगेटिव बातें या नेगेटिव विचार हमारे माइंड में चल रहे हैं, या फिर हम किसी नेगेटिव दिशा की तरफ जा रहे हैं और हमें खुद को लगता है कि ये गलत है, तो उस वक्त इंस्टेंट हमें बाबा का सहारा लेना चाहिए, बाबा से बोलना चाहिए, बाबा से हेल्प लेनी चाहिए। साइंस और चरित्र पढ़िए, बाबा की लीलाएं पढ़िए, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं उन्हीं के पास रहिए, उन्हीं के साथ रहिए। तो अगर आप किसी गलत रास्ते पर भी जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक बाबा आपको सही दिशा में, सही लोगों के बीच में ले आएंगे, और आपकी सोच जैसे अच्छी रहेगी, आपका मेंटली पीस बना रहेगा, आप मेंटली अच्छे रहेंगे, और अगर आप मेंटली अच्छे रहेंगे ना, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। कभी आपने नोटिस किया है कि कभी आपका शरीर तो बहुत सही है, लेकिन जब हमारा माइंड खराब रहता है, सोच कर अगर हम परेशान रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी भी अपने आप थक जाती है। तो वो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी काम नहीं कर रही होती, कि हमने कुछ काम किया, हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे कोई काम नहीं कर रही, लेकिन जो हमारा माइंड है ना वो काम कर रहा है, और उस वजह से सोचते सोचते हम खुद थक जाते हैं, हमारा माइंड थक जाता है, और इस वजह से हमें ये फील होता है कि हमारी बॉडी भी थक चुकी है। तो हमें ये फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का हमारे दिमाग से बहुत कनेक्शन रहता है। तो ये सब कुछ होता है हमारी सोच की वजह से। हमारा माइंड क्यों खराब होता है? हमारी सोच की वजह से, हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से। अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाए ही ना,
और हमेशा पॉजिटिव ही सोचें तो क्या होगा, इससे आपको दो चीज़ें बेनिफिट रहेंगी। फर्स्ट, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आपको एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी, और सेकंड, आपकी जो बॉडी है उसका लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी वाला रहेगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आया करेगी। आप हमेशा फुर्ती में रहोगे, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी और आप बीमारियों से भी बहुत हद तक दूर रहेंगे, क्योंकि बीमारी अभी ना ऑलमोस्ट सोच और नेगेटिव थॉट्स की वजह से आती है, चिंताओं की वजह से आती है। बीमारियाँ ऐसे नहीं आती, बीमारियाँ भी सोच की वजह से ही आती है। बुरी सोच, गलत विचार, इन्हीं वजह से हमारे बॉडी में बीमारियाँ क्रिएट होती हैं, बीमारियाँ बनती हैं। तो बीमारियों को आप इन्विटेशन मत दीजिए, उनको बुलाइए मत, फिर देखिए आपकी बॉडी कैसे हेल्दी रहती है और आप कितने फिट एंड फाइन रहते हैं। और मैं ये सब बोल नहीं रही, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अगर आप भी करके देखना चाहें ना, तो आप भी ये कर सकते हैं और करके प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, आपको सच में इन सब चीज़ों का अफेक्ट होगा आपकी लाइफ पर। आप करके देखना, आप कुछ नहीं तो 10 दिन करके देखना, आपको 10 दिन में पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना अफेक्ट हो रहा है, आपको कितना अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लूँगी मैं समाप्ति। अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।